वेलकम बैक YouTube फैमिली में साहिल आपका फिर स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अनबॉक्स करने जा रहा हूँ जो कि मैंने गिम्बल परचेस किया है, और गिम्बल परचेस करने का यही मेरा एक रीज़न है कि क्योंकि मैं ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी मुझे किसी भी वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्स भी इसलिए कर रहा हूँ सामान, क्योंकि यार जो मैं परचेस कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक ब्लॉगिंग चैनल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसी रीजन से मैं इस चैनल के अंदर ऐसी वीडियो भी डाल रहा हूँ। चलो बातों को यहीं पे खत्म करते हैं और अनबॉक्स करते हैं इंस्टा 360 गिम्बल जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। एक मैजिक मैंने सीखा है वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और देन कमेंट करोगे। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप देखना गिम्बल आ जाएगा, ठीक है? 1 2 3 मैजिक। सो हमारे पास गिम्बल आ गया है, ये पूरा पैक है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या है। अनबॉक्स के लिए मेरे पास यार हमेशा चाबी रहती है, चक्कू रखता नहीं मैं क्योंकि मैंने वसूली करना छोड़ दिया है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, इस बॉक्स की हमें नीड नहीं है तो इसको हम फेंक सकते हैं। यस, ये हमारा कुछ बॉक्स ऐसे दिखता है और पीछे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, गिम्बल के साथ क्या क्या आता है। और ये देखो यार ये पहले से ही हट गया, कोई बात नहीं इसे भी फेंक दो। और गिम्बल के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है। डीप ट्रैक है इसके अंदर, बाकी 3 इसके अंदर मोटर है, 3 मोटर होती है इसके अंदर। ऑटो मोड है इसके अंदर, AI फीचर है इसके अंदर, मैग्नेट है, बाकी बहुत सारी फीचर है इसके अंदर, आपके साथ शेयर करते हैं इसके। चलो अनबॉक्स करते हैं। ओपन करते के साथ ही हमें देखो क्या मिलता है। ये हमारा फ्रंट लुक है जो कि गिम्बल दिख रहा है हमें, ये हमारा गिम्बल है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर। ये राइट हैंड साइड कंपार्टमेंट दिया हुआ है, आई डोंट नो किस चीज का है, एक बार हम खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैग्नेट है और देख लेते हैं एक बार खोल के किस टाइप से है। ये हमारी मैग्नेट है जो कि गिम्बल में लगती है फोन अटैच होने के बाद। ये हमारी सी टाइप केबल है जिससे हम गिम्बल चार्ज करेंगे। और इसके अंदर और भी कुछ है, आई थिंक ये कवर लग रहा है मुझे, हार्ड है। हाँ आई थिंक ये कवर ही है, मैं निकालता हूँ देखो। हाँ ये सिलिकॉन का एक कवर है। गिम्बल हमारा कुछ ऐसा दिखता है, तो इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे, आप यहाँ से लोग देख लेना, देन ही उसे रोटेट करना इन फ्यूचर का भी आप करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे देखो लोग भी है, दोनों तरफ लोग है। तो जैसे मैंने इसको रोटेट किया है ये ऑन हो गया है। फर्स्ट हमें ये मिलता है बॉक्स के अंदर, और यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट भी है, और ये हमें हैंडल का कवर दिया गया है ताकि हमारी ग्रिप जो बनी रहे। बाकी चलो फील करते हैं, अनबॉक्स करते हैं इसको। तो अभी मैं इसके अंदर फोन अटैच कर लेता हूँ। फोन अटैच के लिए भी हमें अलग से दिया है भाई, इसकी फीलिंग ही अलग होती है गाइस। ये मुझे आईफोन की याद दिला देता है जब मैंने आईफोन परचेज किया था। और कभी भी आप अपने फोन को इस मैग्नेट के अंदर लगाएंगे तो यहाँ पे आप चेक करना, यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है, तो हमेशा इसको कैमरा ही देख के लगाना कि किस साइड कैमरे का ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने ये फिट कर लिया है। और मैग्नेट आप लगाते समय ये ध्यान रखना कि मैग्नेट के लिए भी यहाँ पे एक निशान दिया हुआ है, तो मैग्नेट उसी टाइप पे लगाना, अदरवाइज आप मैग्नेट को कहीं और से लगाओगे तो फोन आपका गिर भी सकता है। चलो हमारा सेटअप हो गया तैयार, अब इससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। चलो इससे मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर और भी चीजें, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, इसके अंदर स्टिक भी है। ये स्टिक ऐसी हो जाती है, देन आप इसको बैंड भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहां से इसको आप बैंड कर सकते हो ऊपर से। इससे आप ऐसे ब्लॉग्स भी शूट कर सकते हो। और एक चीज और है इसके अंदर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इनबिल्ट स्टैंड है इसके अंदर, इसके बहुत सारे फीचर है गाइस, मैं बताने लगूंगा तो बहुत काफी टाइम हो जाएगा, बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपर बता पाऊं। ये इसके साथ स्टैंड मिलता है हमें, और इसके अंदर जो AI का फीचर है वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस अभी मैंने पूरा सेट कर लिया है इसको AI के लिए, तो अभी मैं कहीं पर भी मूव करूंगा ये मेरे साथ साथ मूव करेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, अभी मैंने इसको रख दिया है, अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं अभी तो मैं ऐसे होता हूं, अगर मान के चलो मैं इसको ऐसे ब्लॉगिंग करता हूँ
अगर मैं कैमरा इधर कर लेता हूँ तो भी ये मुझे ही फोकस करेगा, ये अपने आप मुझे मूव करेगा। तो इसका एक फीचर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे और उसके मुकाबले, क्योंकि बाकी के अंदर DJI टाइप और भी गिम्बल है, उनके अंदर ये फीचर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका फीचर नहीं है, ये वाले फीचर है बट इतने अच्छे इम्प्रूव नहीं है। यूजर 360 के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है, इसलिए मैंने इसको परचेज किया है और ये मुझे ऑफर के अंदर पड़ा है गाइस 13,000 का, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इसके पहले जो प्राइस थे वो थे 16,000 प्लस थे। टाइम पर वेट कर रहा था कि ऑफर आएगा, मैं इसे परचेज करूंगा, ऑफर मुझे मिला, मैंने परचेज कर लिया। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और चार्जिंग के लिए हमें स्लॉट दिया गया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे यहाँ से करोगे तो गिम्बल चार्ज होगा, अगर आपने यहाँ पे किया है तो आपका फ़ोन चार्ज होगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इसके बारे में, अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो। और भी वीडियो है और बाकी जो मैनुअल है इसके बारे में पूरे फीचर, यार एक्चुअली मुझे अभी नहीं पता है, तो फीचर के रिगार्डिंग में एक वीडियो जो भी मुझे मिलेगी गूगल पे या कहीं पर भी मिलेगी तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से इसके फीचर के बारे में आप रीड कर सकते हो, तो देख सकते हो। इसको मैं यूज करूंगा, फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि इसको यूज करना इजी है या नहीं है। एक्चुअली अभी तो मुझे देख के लग रहा है इजी है इसको यूज करना। आपके साथ जो मैंने अभी सिनेमैटिक शॉट जो भी रिकॉर्ड किए हैं वो सब इसी से किया है और अपने आईफोन 12 से किया है, तो आप मुझे बताना कैसा इनपुट निकल के आया है। सो चैनल पे बने रहिए गाइस, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।